करनाल में अब अधिवक्ता भी किसानों के समर्थन में आगे आना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के चलते करनाल के वकील बार एसोसिएशन में एकत्रित हुए। इस दौरान वकीलों ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। वकीलों ने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं और बार एसोसिएशन करनाल किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जिन किसानों, नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वकील इन मुकदमों को मुफ्त में लड़ने के लिए तैयार हैं। वकीलों ने कहा कि वह किसानों के समर्थन में शनिवार को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और किसानों के साथ शामिल होंगे। वहीं वकीलों द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से वकीलों ने मांग की कि कृषि के क्षेत्र में जो 3 काले अध्यादेश लाए गए हैं उनको निरस्त किया जाए, किसानों की जो जायज मांग है उनको पूरा किया जाए। इस मौके पर वकीलों द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बताते चले कि किसान कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत हैं, वही किसानों के आंदोलन को समर्थन भी मिल रहा है। इस कड़ी में करनाल के वकील भी आगे आए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे। नमस्कार, बाजार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति कादन। वकीलों के चैम्बर में करनाल में हम मौजूद हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे वकील यहां पर बैठे हुए हैं। ये क्यों बैठे हुए हैं? किसानों के समर्थन में बैठे हुए हैं। आपको भी पता है कि काफ़ी दिन से किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, उसी का समर्थन लगभग अब हर रोज़ हर कोई ना कोई वर्ग उनके समर्थन में उतर रहा है। आज करनाल में वकीलों का चैम्बर है, जो वकील है सारे के सारे वो इनके फेवर में उतर चुके हैं। कल दिल्ली में उतरे थे। हमारे साथ वकील सोनिया जी मौजूद है। मैडम नमस्कार। नमस्ते जी। मैडम आप भी, आज सारे वकील भी समर्थन में उतर चुके हैं, क्या कहना है आपका? मैम, सरकार ने जो कानून पास किया वो बिल्कुल ही किसान विरोधी, जनता विरोधी है। और एक किसान की बेटी होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आज मेरे किसान भाई सड़कों पर हैं तो मुझे उनका साथ देना चाहिए। और कल सैटरडे संडे 2 दिन हैं, तो हम लोग वकील साथी सभी मिलके कल दिल्ली जा रहे हैं और हम अपने भाइयों का समर्थन करेंगे। और आज हम DC साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। मैम, हर रोज़ लगभग कोई ना कोई नया वर्ग किसानों के साथ जुड़ता ही जा रहा है, क्या लगता है कि वो जो संग्राम उन्होंने छेड़ा, क्या उसमें वो सफल हो पाएंगे? मैम देखिए, जनता ने बनाया था, आज जनता विरोध कर रही है तो जनता उनको गिरा भी देगी। और यही वो अमेरिका, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यही सब वो देश हैं जिन्होंने मोदी मोदी करके मोदी को ऊपर चढ़ाया था। आज वो सभी मोदी समर्थक सड़कों पर हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, चाहे अमेरिका देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, सब लोग इसके विरोध में उतर गए हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि पाप का गड़ा जब भर जाता है तो एक समय उसको फूटना होता है, तो वही समय अब आ गया है, फूटने की कगार पर है और जनता ऑलमोस्ट विरोध में है आज तक। सर काफ़ी दिन से चल रहा है किसानों का आंदोलन, आप क्या कहना चाहोगे? आज हमने ड्राफ्ट जिला बार एसोसिएशन करनाल की तरफ से तैयार किया है। अभी DC साहब को वो हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि करनाल बार एसोसिएशन ने हर फार्मर के साथ है। जो फार्मर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। आपकी तरफ से कोई स्पेशल सेवाएं भी किसानों को दी जाएंगी? बिल्कुल, जितने भी कोई भी मुकदमे जो हैं, किसी भी टाइप के जो हैं, अगर किसानों के विरुद्ध दर्ज होते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लड़ेंगे। इवन करनाल में नहीं, बाहर में भी अगर दूसरे किसी कोई भी FIR दर्ज होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एडवोकेट्स जो है ना, उनके केसेस लड़ेंगे। मोर ओवर मैं डिस्ट्रिक्ट के JJP का जो है लीगल सेल का, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ, इंटेक्चुअल सेल का जो है। हमारी पार्टी भी जो है आज किसानों के साथ, जहां MSP की बात है उनके साथ है। हम MSP पे कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी ने भी साफ कहा है किसानों के साथ MSP पे अगर कोई भी भेदभाव होता है तो हम किसी भी किसानों के साथ करेंगे। इसमें हम किसी प्रकार का भी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि कि JJP भी ये किसान से ही निकली हुई पार्टी है और चेर देलाल ने तो जो है ना इतना संघर्ष किसानों के लिए किया है, उसी सोच के साथ आज हम खड़े हैं। तो हम यही मांग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो किसानों की वाकई में समस्या है
इसको जो है जितना जल्दी हो सके उसका निपटारा किया जा सके। सर ने बताया कि सर भी किसानों के समर्थन में हैं। सर आपसे पूछना चाहूँगी, किसानों के इस प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 6 महीने से लगभग किसान पहले पंजाब में बैठे रहे, वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं, किसी मीडिया नेशनल मीडिया जितनी भी किसी ने कवरेज नहीं किया, और अब जो यहाँ पर दिल्ली जो पहुँचे हैं किसान, वो इसलिए पहुँचे हैं कि उनकी आवाज़ दिल्ली सरकार तक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उस तक पहुँचे, और इस ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ इसीलिए भी जा रहे हैं क्योंकि ये जो कानून बनाए गए हैं, जो 3 कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं, ये तीनों कानून कोई भी किसान के हक में नहीं है। ये तीनों कानून सिर्फ अंबानी और अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला। किसानों की ज़मीनें हैं जो वो उनके बेचनी पड़ जाएगी, उनके जो अंबानी अडानी है उनके हाथों में चली जाएगी। और अब ये जो लोग इसमें मुद्दा बना रहे हैं कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये तो किसान नहीं है, तो पिछले जब आपने लॉकडाउन में देखा कि लॉकडाउन के समय में जितने भी किसान थे, जितने भी गुरुद्वारे थे, वहाँ पर खाना सब ने फ्री बांटा है और सब ने खाया है, जब किसी ने किसी को खालिस्तानी नहीं कहा, और आज इनको खालिस्तानी बना के ये इनको आतंकवादी बता रहे हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि भाई जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसान है या नहीं है, सबको किसानी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इसको कृषि प्रधान देश ही रहने दिए ताकि हमारा देश बचे रहे। धन्यवाद। तो ये वकीलों से हमने बात की, और ज़्यादा वैसे तो बहुत सारे वकील हैं लेकिन सबसे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि समय की भी पाबंदी है। किसानों का ये प्रोटेस्ट जो है जारी है और लगभग हर रोज़ हर एक कोई ना कोई नया वर्ग इसको अपना समर्थन देता ही जा रहा है। कल दिल्ली में वकीलों ने अपना समर्थन इसे दिया था, आज करनाल में भी सभी वकीलों ने अपना समर्थन दे चुके हैं ये भी, और कल ये दिल्ली भी पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा एक और नई बात ये है कि जितने भी वकील हैं वो किसानों के मुकदमे फ्री में लड़ेंगे, तो उनकी तरफ से उनको ये स्पेशल सेवाएं भी दी गई है। कैमरामैन सनी चौधरी के साथ मैं प्रीति काद्यान, नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.